वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? ओ, वो ठंडी में नहीं नहीं नेगेटिव नहीं है भाई। तौबा अस्तगफिर अल्लाह। कौन से गांव से आए हो? बुनेर से। बुनेर से? जी जी यार, बुनेर वाले मैंने सुना है बहुत तेज होते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से। मैं हूँ शहजाद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज जो है ना, मैं अपलोड करूँगा जो सीवीओ का दूसरा पार्ट था, हम लोगों ने वो जो सर्कस वाला बनाया हुआ था उसका दूसरा पार्ट आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसमें जो इंटरव्यूज वगैरह रह गई थी आज इस पार्ट में आएगी, और आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करो क्योंकि बहुत ही फनी फनी इंटरव्यूज आई है इसमें। अच्छा, तो चले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाने ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज्यादा आपको बोर नहीं करते और निकलते वीडियो की तरफ। ओके, ये भाई की मेहनत चेक करे यार, भाई ने जो मेहनत की है ना यार, यार क्या बात है यार, जबरदस्त। ये कोई बत्तख वगैरह 2-4-6 अंडे भी रखे 2024 का ये मनोग्राम। और ये देखे भाई, पता नहीं ये कौन सा मीनार बनाया हुआ है भाई ने, बड़ी ज़्यादा शिद्दत से और मेहनत से, बड़ा उसको बोलते हैं मेहनत यार, हाथ की कलाई का जो मेहनत होता है ना। फिर एक और कुछ आता नहीं है, लेकिन बस जो बोल रहा हूँ समझ जाओ बस, आप लोग मेरे से जवाना ज़्यादा समझदार हो, क्या बोलता है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये भाई ने जो है ना गाड़ी बनाई हुई है बड़ी प्यारी वाली, और पता नहीं इसका नाम कौन सा है, ये तो मैं नहीं जानता पता नहीं कौन सी गाड़ी है बस बनाई। और ये डॉल्फिन फिश है, डॉल्फिन फिश बनाई है भाई ने। और ये देख कैद आजम मजार, क्या बात है यार, जबरदस्त, क्या कलाई है भाई, हाथ की कलाई। और ये ऊंट है भाई, ऊंट बनाया हुआ है, थोड़ा सा बिखर गया है शायद, बच्चों ने बिगाड़ दिया इसका जो ना। और ये क्या चीज़ है यार, ये अच्छा मगरमच्छ ने जो ना इंसान को खाया हुआ इधर, ये चेक करें भाई। ये जो ना हेवी हॉरर वाली जो मूवीज होती है ना हॉलीवुड वाली, तो उसका कुछ सिस्टम बनी है भाई ने बनाया, ठीक है समझ गया। वो इधर सर जो है ना उसके मगरमच्छ के मुंह में है। ओके, वाह क्या बात है, जबरदस्त। और ये फिर से जो है ना कायद आजम मजार। और ये देखो जलपरी देख ले भाई, जलपरी क्या बात है। और ये देखे, ये कौन सा महल बनाया भाई आपने? लाहौर की बादशाही मस्जिद। अच्छा अच्छा, लाहौर की बादशाही मस्जिद, क्या बात भाई, क्यों नहीं, जरूर यार, जरूर क्यों डालेंगे यार। ये भाई इस भाई की जो है ना मेहनत है, इसकी भाई की जो कलम है यार, इसके हाथ की जो मतलब सफाई देख ले आप लोग यार। अगर ये अब हमारे पाकिस्तान में जो ना टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट की कदर भी नहीं है, और नहीं यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कितनी जो है ना भाई ने मेहनत करके क्या क्या चीजें बनाई हुई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है बेटी को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं। नाम क्या है आपका? आलम नाम है। आलम जी। और आपका? वकास जुनैद खान। जो सब भाइयों को बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सीवीओ में कैसे लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे जी। यहाँ पे मौसम जो है बहुत अच्छा, खुशा मौसम उधर है, तो व्यू भी अच्छा है माशाल्लाह। हम फिक्स टाइम पे आ गए, ये टाइम में देखने का यहाँ पे जी। और आप लोग? बहुत मजा आया, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो गांव से आया हूँ। यार यहाँ अच्छा लगा, मेरे को मिल रहा है ना, सब गांव से आए हुए हैं। हाँ जी, हम भी गांव से आए हैं। गाँव में ठंड वगैरह ज्यादा है क्या? वहाँ पर तो बहुत बर्फबारी होती है, बहुत ठंड होते हैं। यार
और आपके गांव में भी बर्फबारी हमारे वजह से टन से वहां से जो ना भाग के इधर आ भाग के इधर लोग यहां पे ठंड नहीं लग रही हमें ज्यादा ठंड लग रही अच्छा हमें यहां पे इस पे ठंड में भी जो ना ठंड लग रही है यार आप लोगों का तो फिर भी यार बहुत ज्यादा ठंड होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत हो भाई? आप नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? इमाद खान। अच्छा, तो सीयू में आके कैसे लग रहे हैं भाई आपको? सीयू में आके बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, कभी बहुत अच्छा है। सही है, लोग भी आके अच्छे है। सही, सही। पहली बार आए हम। पहली बार आए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं? भी पहली बार आया? नहीं, मैं तो इन कराची का रहता हूँ। आप तो कराची में? सही सही। अच्छा, ये भाई पहली बार आया? सही सही। गांव से आया? जी जी, गांव से। सही सही सही। अच्छा, तो रश ज्यादा है, क्या वजह हो सकती है? वैसे संडे को रश नहीं होते, क्या वजह हो सकती है आज? अच्छा चलो, आप तो पहली बार आए हो, भाई से पूछ लेते हैं। वैसे ज्यादातर तो रश ही संडे को ही होती है या सैटरडे नाइट ही होती है। बिल्कुल, आज रश ज्यादा है, इससे कोई पता नहीं आज रश क्यों ज्यादा है। अच्छा, आज तो एक माशाल्लाह से पीटीआई की रैली भी थी, तो शायद वो सुनने में आया था कि शेर अफजल मरोत आए, तो शायद इस वजह से रश ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? लुकमान। लुकमान, और आपका? उबैद। उबैद, सही है। लुकमान भाई, सीवीओ में आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार, इधर का नज़ारा भी अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह, यहाँ से दिल भी नहीं करता जाने का। बस ठीक है, बस क्या करें, घर बाहर जाना होता हमने यार। सही, सही। और आपका भाई, क्या सूरत हाल है आपका? मैं तो कभी कभी आता हूँ इधर। अच्छा, अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। अच्छा चलो भाई, आप लोगों को कॉमन सेंस जानेंगे कि भाई कैसा है। तो ऐसा कौन सा जानदार है जिसका दांत उसके पेट में होता है? उसके पेट में होता है, इसको पता होगा। वो असल में एक बात बताऊं, आसानी कर देता हूं मैं आप लोगों को, ये समंदर में भी है जी, ऐसा चीज है जानवरों में। ऑप्शन बता दे, कोई थ्री ऑप्शन है तो बता दे उसमें से। ऑप्शन यार, एक तो ये समंदर में है, सही है, ठीक है। एक तो ये जानवरों में, ठीक है। और दूसरा यार कि समंदरी जानवर अगर मछली तो नहीं है? नहीं, मछली नहीं है। मछली तो मुंह में ही उसके। स्टारफिश? नहीं, वो कौन सा परिंदा है जो जल भी जाए फिर भी जिंदा रहता है? कौन सा परिंदा है जल भी जाए, जल भी जाए फिर भी जिंदा रहता है? वो तो उसका रूफ होता है। क्या मतलब? मतलब उसका साया होता है। नहीं नहीं, ये ऐसे परिंदे के वो फिर भी जिंदा रहता है यार, उड़ता रहता है। अच्छा, जलपरी तो कैसे उड़ सकती है यार? परी, अब परी उड़ती तो है ना, जलपरी जल रही भी हो, पर रही है, परी उड़ रही है। चुप कर बे कुत्ते। जो पानी की होती है यार जलपरी, अच्छा परी, वो आसमान वाली परी, वो तो अलग चीज है ना यार, यहाँ पे जमीन पे ही है यार, हमारे दुनिया में घूम रही इधर उधर निकल। अच्छा, जंगलात वगैरह आप बता देना। चलो मैं आपको नहीं आ रहा, दूसरा सवाल पूछते, चलो फिर मैं उसके बाद बता दूंगा। वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? तो नहीं, नेगेटिव नहीं है भाई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आपकी बात सही है, लेकिन ये जो है ना, हर जगह पे ये फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे भी है? अच्छा, ये और आसान कर दिया। चलो, ये फैक्ट्री कौन सी वाली है यार? अभी बता रहे, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तीसरा कर देते, फिर इसका बता देते, ठीक है इंशाल्लाह। वो कौन सा परिंदा है जो जल भी जाए तो भी जिंदा रहता है? जलपरी? नहीं यार, जल भी जाए मतलब वो जलता है, ऐसा परिंदा है, ऐसा परिंदा है जलता है। सच में परिंदा है? सच में परिंदा ही है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? यार हैंड तो दो। हैंड अभी क्या बताते, वो उड़ता भी है। कुछ परिंदे होते हैं ना, जैसे मुर्गी हो गई, वो तो उड़ नहीं सकती ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है, तो इस वजह से। अच्छा चलो, दूसरा पूछ लेते हैं, उसके बाद जो ना फिर करते हैं। आपकी वो कौन सी चीज है
जो दूसरे ऐप से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई वो नेगेटिव वाली चीज नहीं है यार, पॉजिटिव वाली है। बाइक हो सकती है, नहीं नहीं चार्जर बाइक हो सकती है, लेकिन वो जो है ना शादी शुदा के लिए यार नहीं। सब के लिए यार, कोई ऐसे जवाब आसान से सवाल करे फिर जवाब देते। अच्छा चलो दूसरा कर लेते हैं। वो कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं लेकिन फिर भी बहुत तेजी से चलता है? इसके पैर नहीं है, शेपर्ड उसको बोलते हैं। शेपर्ड क्या होता है? नहीं पता मुझे। वो क्या होता है? उर्दू में नाम नहीं आता। अच्छा स्नेल होता है इंग्लिश में। स्नेल स्नेल कीड़े मकोड़े में, कीड़े मकोड़े में आता है। नहीं ये जानवर सांप तो नहीं है? सांप जिसके पैर नहीं है विदेश बाहर। दा 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 दम। दुनिया में सबसे पहले आलू कहाँ उगा था? जमीन में। चलो तीसरा, दुनिया में सबसे पहले आलू कहाँ उगा था? जमीन पे। जबरदस्त भाई का कॉमन सेंस का भी सही है। आए हाय 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 आए हाय हाय। अच्छा चलो अब तीसरा करते हैं। पानी से बनी वो क्या चीज है जो कभी भी धूप में नहीं सूखती? पानी से बनी क्या चीज है जो धूप में नहीं सूखती? आपसे और सवाल पूछ रहा हूँ ताकि जल्दी आ जाए आपको। पानी से क्या बना है? पानी से बनी है वो मतलब यार धूप से हट के जो ना सूख जाए। किस चीज में वैसे है? किस चीज में? क्या कर रहे हैं यार तू? पानी जैसे इंसानों में? हाँ या जानवरों में? इंसानों मैं यार बताऊंगा तो यार बहुत आसान चीज है ना यार। छोड़ी बच्ची हो क्या? फिर बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन दे दे। वो पानी से बनी है सही है, और एक ये चीज है कि वो धूप से नहीं सूखती है, छांव में आ जाए तो वो सूख जाती है। ये इसको पता होगा, मेरा देख के जवाब दे जाता नहीं। मैं बता दो, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये कर देता हूँ कि आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ कि वो जो है ना इंसान का पसीना होता है। और जो दूसरा पूछे था वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? वो है हमारे दान। जो जबान होती है वो औरत है और दान मजदूर है। और ऐसा कौन सा जानदार है जिसका दांत उसके पेट में? वो है केकड़ा। सही सही। केकड़ा होता है कि नहीं भाई? दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा कहाँ पे लगा था? डंडे पे। जबरदस्त यार। अरे भाई जबरदस्त, सही है यार। सही है, बिल्कुल सही है यार। ऐसा कौन सा हमारा दुश्मन है जो आए हम उस पर ताड़ियां बजाने लग जाते हैं? शैतान। नहीं शैतान नहीं है। गांव वाले से पूछते भाई कि गांव वाले का जो है ना कॉमन सेंस कैसा है? कौन से गांव से आए? बुनेर से। बुनेर से? जी जी। यार बुनेर वाले मैंने सुना है बहुत तेज होते हैं यार चीजों में। क्या कराची का रहने वाला? चलो भाई से पूछ लेते, भाई आप बता दो। सवाल रिपीट करें। ऐसा कौन सा हमारा दुश्मन है जिसके आने से हम तानिया बजाने लग जाते हैं? इमरान खान। नहीं नहीं दुश्मन है हमारा यार वो। सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है हमारा। ये जो है ना मैं इतना आसान कर देता हूँ आपको, इंसानों में से है नहीं। चलो इंसानों में से है नहीं और शैतान है। शैतान नहीं है ना, मतलब चलो जानवरों में से। मच्छर। मच्छर जबरदस्त यार। चलो अभी चौथा करते हैं आपसे। क्या आपने कभी ऐसा परिंदा देखा है जो कभी उड़ नहीं सकता? ऐसा परिंदा जो उड़ नहीं सकता? उड़ नहीं सकता।
मेरे जितना ख्याल है इसका एंड मैं नहीं दूंगा। हाँ ये मेरे ख्याल से वो तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। चतर मोर मोर ये तो ये चीज तो जमीन वाली है ना, वो समझो उड़ने वाली भी और मतलब जमीन वाली भी है, लेकिन आप कह रहे हो तो वो उड़ नहीं सकती। उड़ नहीं सकती है। जब जमीन में बैठे तो लाजमी सी बात उड़ नहीं था। चलो मैं ही बता दे। मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। तो यार आप लोगों को नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं। हार मानी, ये है मरा हुआ परिंदा। अब ये बोल रहे कि शहजाद जान व्लॉगर को सब्सक्राइब कर ले। शहजाद जान व्लॉगर को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक जरूर दें। कुछ तरीका है भीख मांगने का? अच्छा चलो अभी आप ये बोल रहे कि शहजाद जान व्लॉगर को सब्सक्राइब कर ले। शहजाद जान व्लॉगर बहुत अच्छा भाई है हमारा, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल का बटन साथ में दबाया ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। शुक्रिया मेहरबान, जबरदस्त, थैंक्स, लव यू। अभी आप ये बोल रहे कि शहजाद जान व्लॉगर को सब्सक्राइब कर ले। शहजाद जान मीनू को सब्सक्राइब, मीनू का नहीं व्लॉगर। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफी इंजॉय की होगी वीडियो, रात हो गई है और आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं यहाँ के मॉल का। हम लोग पास आ गए, हम लोगों ने सोचा यार यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी है ताकि हमारा फेस जो है ना नज़र आए आप लोगों को, और यहाँ पे जो है ना मॉल बड़ा प्यारा लग रहा था तो सोचा यहीं से जो है ना एंडिंग वीडियो शॉर्ट ले अच्छा लेते हैं। तो आप लोगों को आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेन बात पे आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके, और इसका अगर दूसरा या तीसरा पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके तो हमने काफ़ी वैसे पार्ट बनाए हुए हैं लेकिन आज फिर आए थे पार्ट बनाने और आप लोगों को दिखा दिए, तो अगर और पार्ट चाहिए इनके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें यार ज़रूर। चलो आप लोगों से अभी हम लोग इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का, घर वालों का ख्याल रखिए। चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।